खुदास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे कुलचे से पिज़्ज़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हम आज कुलचे से पिज़्ज़ा बनाएंगे, क्योंकि कई बार हमें पिज़्ज़ा का बेस नहीं मिल पाता है तो बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि कैसे बनाएं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन को गैस पे रखा है और गैस की फ्लेम मैं हाई कर देती हूँ, और इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल डाला है। और अब ये मेरे पास मोटे वाला जो है कुलचा है, जिसे मैं इसमें थोड़ा सा गरम करूँगी। पहले हम एक साइड से गरम करेंगे, हमारा एक तरफ से सिक गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को धीमे कर दूँगी और दूसरी तरफ से मैं धीमी आंच में इसे सेकूँगी, और तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। अब मेरे पास ये पिज़्ज़ा स्प्रेड है, मैं इसे इसमें लगा दूँगी। ये बहुत जल्दी भी बन जाता है और खाने में भी टेस्टी लगता है, तो इसे चारों तरफ से हमने लगा दिया है। अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स हैं वो रखूँगी। ये मेरे पास प्याज है, आप किसी भी शेप में काट के लगा सकते हैं, सर्कल में, हाफ सर्कल में, कैसा भी काट लीजिए। और अब मैं ये शिमला मिर्च रखूँगी। टॉपिंग जो है पिज़्ज़ा की आप किसी भी उसमें कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कैसी भी कर लीजिए, सभी में अच्छी लगती है ये। और ये कुछ टमाटर हैं मेरे पास, और इन्हें थोड़ा सा हम इस तरह से प्रेस कर देंगे। और अब मैं ये कॉर्न्स डालूंगी इसमें। ये फ्रोजन वाले हैं, अगर आपके पास फ्रोजन वाले नहीं हैं तो आप उसे दूसरे वाले जो है उसे बॉईल करके भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास मशरूम है, इसे मैंने आधे चम्मच ऑयल में फ्राई कर लिया है। आपको टॉपिंग जितनी भरनी है आप उतनी भर सकते हैं। और ये मेरे पास हरी मिर्च का पाउडर है, जिसे मैं थोड़ा थोड़ा इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी। और ये मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में भी नमक होता है, इसलिए हम थोड़ा सा ही डालेंगे। अब मैं इसमें ये ग्रेटेड चीज़ जो है वो डाल दूंगी। आप जितना भर के चीज़ डालना चाहें उतना भर के डाल सकती हैं। और अब मैं इसे लिड से कवर कर दूंगी और इसे 5 मिनट तक यूं ही धीमी आंच में पकने दूंगी। तो आपसे 5 मिनट बाद मैं मिलती हूँ। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, आइए अब पिज़्ज़ा को चेक कर लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और डालूंगी, और इसके साथ साथ मेरे पास कुछ हर्ब्स हैं, ये थाइम है, मैं ये डालूंगी। आपको जो भी ये हर्ब्स पसंद है वही डालिएगा, बेसिल है ये। और इसके साथ साथ मैं इसमें ऑरिगैनो डालूंगी, ऑरिगैनो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। और इसे मैं 2 मिनट और अच्छे से क्रिस्प होने तक पकाऊंगी ढककर। तो मिलती हूँ 2 मिनट के बाद आपसे। 2 मिनट हो गए हैं, आइए चेक करते हैं। देखिए कितना ही यमी सा लग रहा है अभी से ही। और अब मैं इसे प्लेटिंग करके दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए नीचे से भी बहुत अच्छे से क्रिस्प हुआ है। देखिए कितना क्रिस्प है, ये आप आवाज़ सुन सकते हैं। ये अभी बहुत गर्म भी है। तो लीजिए तैयार है हमारा मिनी पिज़्ज़ा, जो कि हमने
कुलचे से बनाया है, बहुत ही यम्मी और डिलीशियस है, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।